गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे नाउ चैप्टर 9 चतुर किसान. आज हम क्या है चैप्टर 9 में चतुर किसान की कहानी पढ़ेंगे. एक किसान था, वो क्या बहुत ही चतुर था, चालाक था. तो एक दिन उसके खेत में कौन आता है, भालू आता है और किसान को कहता है मैं तुम्हें खाऊंगा. तो किसान ने उसके साथ ऐसी चतुराई करी कि भालू क्या हो गया, हार गया. ठीक है ना, हार गया. तो क्या है, मनुष्य को हमेशा कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीजन लेते हैं तो क्या है, अपनी चतुराई होशियारी से लेने चाहिए कि उसको लॉस नहीं हो, उसका हानि, उसको हानि नहीं हो. ऐसी चतुराई लेनी चाहिए. अगर किसान इसमें चतुराई से नहीं लेता तो अपनी जान गवा बैठता है, भालू उसको खा जाता. तो इस कहानी के माध्यम से हमें यही है कि हमें क्या, हमेशा चतुर रहना चाहिए, चतुर बनना चाहिए और अपनी चतुराई दिखानी भी चाहिए. नाउ रीड इट. एक किसान हल चलाकर अपना खेत जोत रहा था. एक किसान था, वो क्या कर रहा था, हल से जोत रहा था. क्या, फसल जोतना. जोतना मतलब फसल बोना, खेत में फसल बो रहा था. अचानक उसे एक भालू अपनी ओर आता दिखाई दिया. अचानक क्या हुआ, उसने देखा कि एक भालू है, वो किसान की तरफ आ रहा है. किसान डर गया, परंतु वह वहां से भागा नहीं. किसान क्या है, डर तो गया लेकिन वो भागा नहीं. क्यों नहीं भागा, अगर वो भागता तो भालू भागकर उसको पकड़ लेता और मार देता. तो वो वहीं खड़ा रहा. किसान कुछ सोचकर चुप खड़ा रहा. जैसे ही भालू किसान को मारने के लिए उसकी ओर झपटा, क्या हुआ, किसान सोच रहा था, सोचकर वहीं खड़ा रहा. इतने में भालू आया और उसने किसान को क्या करा, मारने के लिए उसके ऊपर झपट्टा मारा. तो किसान बोला मुझे मत मारो, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा. तो किसान ने क्या बोला कि आप मुझे मत मारो भालू, तुम्हें अगर तुमने मुझे मार दिया तो पहले बताओ तुम्हें मिलेगा क्या मेरे से. भालू बोला नहीं मारने पर मेरा क्या फायदा होगा. तो भालू ने क्या कहा कि अगर मैं मारूंगा नहीं तुम्हें तो फिर मेरा क्या फायदा होगा. भाई मारने से अगर मेरा फायदा नहीं होगा तो मैं नहीं मारूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा, मतलब लाभ होगा, मुझे क्या लाभ मिलेगा. किसान बोला मैं किसान हूँ, आओ मिलकर खेती कर ले. उसने कहा मैं किसान हूँ, अन्न पैदा करता हूँ, मनुष्य अन्न को खाते हैं और जीवित रहते हैं, इसलिए आओ अपन दोनों मिलकर क्या करते हैं, खेती करते हैं. जैसे तुम कहोगे मैं वैसे ही करूंगा. ये बात किसने कही, किसान ने भालू से कही कि चलो तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन है ना तुम मेरे साथ आ जाओ और खेती करो. कुछ देर सोचकर भालू बोला ठीक है पर मेरी एक शर्त है. भालू ने क्या करा, कुछ देर सोचा कि किसान जो कह रहा है वो सही है या गलत है, और थोड़ी देर बाद में कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ क्या खेती तो कर लूंगा लेकिन मेरी भी एक शर्त है. उसने एक कंडीशन लगाई भालू ने कि मेरी एक कंडीशन है, मेरी एक शर्त है, जो भी फसल होगी उसमें जमीन के ऊपर की फसल मेरी और नीचे की तुम्हारी होगी. क्या कहा भालू ने कि जो फसल आप पैदा करोगे, कुछ भी फसल बो रहे हो, उसमें जो जमीन के दो, एक जमीन के ऊपर फसल पैदा होती है, एक अपन खड्डा खोदते हैं तो जमीन के नीचे भी फसल पैदा होती है. कुछ फसलें जमीन के नीचे होती है, कुछ फसलें ऊपर होती है. तो उसने कहा कि जमीन के क्या ऊपर की फसल मेरी और नीचे की तुम्हारी होगी. किसान तुरंत मान गया. किसान ने खेत में आलू बो दिए. जब फसल आई तो वादे के अनुसार भालू किसान के पास पहुंच गया और अपनी फसल मांगी. अब क्या हुआ, किसान तो तुरंत मान गया, कोई नहीं आप ऊपर की फसल ले लेना, मैं नीचे की फसल ले लूंगा. और किसान ने क्या करा, अपनी चतुराई से क्या फसल बोई, आलू बोई. अब आलू कहाँ पे होते हैं, नीचे जमीन के नीचे आलू निकलते हैं, ऊपर तो आलू के पत्ते पत्ते होते हैं. और भालू ने क्या मांगी थी, ऊपर की फसल. और जैसे ही फसल पक कर तैयार हो गई तो भालू ने जो अपना प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस के अनुसार, वादे के अनुसार वहां पहुंच गए किसान के पास. कह लाओ मेरे को मेरी ऊपर की फसल है वो दे दो. किसान ने भालू को पत्ते दे दिए. क्यों, आलू तो नीचे थे ऊपर पत्ते थे, तो भालू को क्या दे दिए, पत्ते दे दिए.
भालू को बहुत गुस्सा आया, पर क्या करता, उसी ने किसान से ऊपर की फसल मांगी थी। अब गुस्सा तो आया पत्तों का, वो क्या करे, आलू तो मिले नहीं, लेकिन वो क्या है, उसने किसान से मांगा ही क्या था, यही कंडीशन रखी थी ना उसने कि मैं नीचे की फसल, सॉरी ऊपर की फसल मैं लूंगा, नीचे की किसान लेगा, तो वो कुछ नहीं कर सकता। इस तरह किसान को मिले आलू और भालू को मिले पत्ते। क्यों मिले? किसान की चतुराई से। भालू ने किसान से कहा, देखो इस बार तुम जो भी फसल बोगे उसमें जमीन के नीचे की फसल मेरी और ऊपर की तुम्हारी। अब भालू को लगा कि फसल कहाँ होती है, जमीन के नीचे ही होती है, इसलिए उसको गुस्सा आया हुआ था तो उसने कह दिया कोई बात नहीं, इस बार तो ऊपर की मेरी नीचे की तुम्हारी थी। लेकिन किसान को कहा कि अगली बार जो तुम जो भी फसल बोओगे उसमें नीचे की जमीन के नीचे की फसल मेरी और ऊपर जो भी उगेगा वो क्या है, तुम्हारी। किसान ने वो भी मान गया, किसान झट से मान गया, झट मतलब तुरंत से, किसान तो तुरंत से मान गया। किसान ने गेहूं बो दिए। किसान ने क्या करा, इस पहले आलू बोए, इस बार किसान ने गेहूं बो दिए। फसल हुई तो भालू किसान के पास पहुंच गया। किसान ने भालू को जड़े दे दी। किसान ने क्या करी, भालू को जड़े दे दी। भालू ने कौन सा हिस्सा मांगा था इस बार, ऊपर का, नीचे का हिस्सा। तो ऊपर तो गेहूं कहाँ होते हैं, ऊपर, ठीक है ना, गेहूं का पौधा ऐसे ऊपर निकलता है और उसमें गेहूं होता है, नीचे सिर्फ जड़े जड़े होती है। तो भालू ने नीचे का हिस्सा मांगा, किसान ने उसको गेहूं की जड़े दे दी और गेहूं किसके पास आ गए, किसान के पास। अब किसान को मिले सुनहरे गेहूं और भालू को मिली जड़े। किसान को क्या मिले, सोने जैसे, सोने का गोल्डन कलर होता है ना, वैसे सोने जैसे रंग के गेहूं मिले अच्छे अच्छे किसान को, और भालू को क्या मिली, जड़े। भालू गुस्से से आग बबूला हो गया। भालू आग बबूला होना मतलब बहुत ही गुस्सा आना, ठीक है ना, भालू को बहुत तेज गुस्सा आ गया। वह किसान को मारने के लिए झपटा। अब उसको गुस्सा आ गया ना, कभी उसको जड़े नीचे मांग रहा है तो भी नहीं मिल रही, कभी ऊपर मांग रहा है तो भी नहीं मिल रही, तो वह किसान को मारने के लिए उसके ऊपर क्या है, झपटा। किसान तुरंत बोला, एक मौका और दे दो, मुझे एक चांस, एक अवसर और दो। क्या कहा किसान ने, मुझे एक अवसर और दो, मुझे मारो मत। भालू मान गया और बोला, भालू मान तो गया लेकिन अब क्या बोला वो, कि इस बार ऊपर और नीचे की फसल मेरी और बीच की तुम्हारी। अब भालू ने दिमाग लगाया कि नीचे भी फसल पैदा होती है और ऊपर भी फसल होती है, तो उसने दोनों हिस्सा मांग लिया कि जमीन के नीचे जो होगी वो भी मेरी और जमीन के ऊपर वाली भी मेरी होगी, और वो जो बीच में आएगा ना हिस्सा वो किसान आपका होगा। किसान को, किसान ने कहा ठीक है, और किसान ने गन्ना बो दिया। किसान ने किसकी फसल बोई, गन्ना। सुगर केन होता है, बड़े बड़े होते हैं ना डंडे से, गन्ना की फसल उसने बो दी। फसल हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़े, किसान को मिले रसीले गन्ने। अब ऊपर तो क्या होता है, गन्ना ऐसे निकलता है, उसके ऊपर तो पत्ते हो जाते हैं और नीचे उसकी जड़े हो जाती है, ये बीच का हिस्सा है। भालू ने यही कहा था, ऊपर का हिस्सा मैं लूंगा, नीचे का मैं लूंगा, बीच का तुम लेना। तो गन्ना था बीच में, तो किसान ने उसको क्या दे दी, जड़े दे दी, ऊपर से पत्ते दे दिए, बीच का जो रसीला मीठा मीठा गन्ना होता है वो किसान ने ले लिया। किसान की चतुराई देख भालू ने अपनी हार मान ली। किसान ने अपनी चतुराई से बार बार में क्या हुआ, जो भी फसल हुई वो किसान को मिलती रही चतुराई से, इसलिए भालू ने अंत में क्या कर ली, अपनी हार मान ली। भालू ने कहा, किसान मैं हार गया, तुम जीत गए, और किसान का पीछा छोड़ दिया। मतलब किसान के पीछे पड़ा हुआ था, कभी ऊपर की फसल लूंगा, कभी नीचे की लूंगा, कभी मारने को दौड़ता था, और क्या हुआ, उसको छोड़कर चला गया। मनुष्य की चतुराई उसे सफलता की ओर ले जाती है। किसान ने चतुराई से काम किया तो उसको फसल मिल गई, इसलिए मनुष्य अगर कोई काम चतुराई से करता है तो उसको क्या है, सफलता जरूर मिलती है। और बिना सोचे समझे जो काम हम करते हैं उसमें क्या हमें असफलता मिलती है, सफलता की प्राप्ति हमें नहीं होती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कि मनुष्य को हमेशा चतुराई से निर्णय लेना चाहिए। मनुष्य है उसको दिमाग
मनुष्य का दिमाग तीव्र बताया गया है, सबसे तेज। तो मनुष्य को हमेशा कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी निर्णय करते हैं ना अपन, तो हमेशा क्या है, चतुराई से लेना चाहिए, सोच समझ कर लेना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ कि किसान की जीत हुई अगर उसने चतुराई से लिए। कुछ इसके कठिन शब्द है, देखो, जोतना फसल बोना, ठीक है ना, जमीन को जोतना मतलब फसल उसमें बो रहे, जोतना झट तुरंत, किसान झट से मान गया था मतलब तुरंत मान गया था, फायदा लाभ, रसीले रस से भरे हुए, गन्ना था ना रसीले रसीले तो वो रस से भरे हुए थे, सुनहरे सोने जैसे रंग के, कौन क्या था, गेहूं, सोने जैसे रंग के क्या थे, गेहूं, चतुराई होशियारी, चतुराई से काम किया मतलब उसने दिमाग से होशियारी से काम किया, आग बबूला होना बहुत गुस्सा होना, मौका अवसर, मौका देना अवसर देना। तो भालू क्या हो गया था, हार गया और किसान जीत गया। तो हमेशा क्या, हमें चतुराई से ही काम करना चाहिए। Hey, ma'am. Have a nice day, end the session.